मैं बता रही हूँ, देखो चंदा मामा आ चुके हैं। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। सबसे पहले सभी को राधे राधे। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आप सबके लिए करवा चौथ का सेकेंड ब्लॉग लेके आई हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है आप लोग वॉच नहीं कर रहे हैं, स्किप कर करके वीडियोस देखते हैं। तो कोई बात नहीं, पर वीडियो अच्छे से देखिए, मैं वीडियो में क्या डाल रही हूँ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग हैं जो मुझे फुल वॉच करके बताते हैं हमने आपकी वीडियो में क्या क्या देखा, तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। हम भी फुल वॉच करके भी बताते हैं। हुई हूँ तो बताइएगा, मैं अपनी पूरी पहाड़ी लुक में रेडी हुई हूँ। हमारे वहाँ पहाड़ियों में ये नथ पहनते हैं और ये टीका पहनते हैं, हमारा रिवाज है। और अभी मैंने अपने गले का नहीं पहना क्योंकि मैं गांव से लेके नहीं आई हूँ, ना कानों का इयररिंग्स वगैरह पहने हैं, तो ये मैं इनसे ही काम चला रही हूँ। हल्के हल्के हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो बताइएगा कि मैं साड़ी में आज कैसी लग रही हूँ। तो दोस्तों, कल के ब्लॉग में मैंने यहीं से एंड किया था और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हम एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और जो हमसे बड़े हैं उनके पैर छूके आशीर्वाद ले रहे हैं और जो हम हमारे साथ के हैं उनसे गले मिलके करवा चौथ की बधाइयाँ दे रहे हैं। तो देखिए हम कैसे मिल रहे हैं गले। अब जा रहे हैं हम सूरज को अर्घ देने। इस समय पूजा हो चुकी है, पूजा के बाद अब सूरज को अर्घ देने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, तो मैं तो हमेशा सूरज को पूजा करने के बाद अर्घ देती हूँ। और जब से मैं अपनी सोसाइटी में आई हूँ 3 साल से, मैं हमेशा करवा चौथ में ये आंटी हमेशा मेरे साथ रहती हैं, हम दोनों मिल के सूरज भगवान जी को अर्घ देते हैं और ईशा भी होती है। आज ईशा ने पहले ही पूजा कर ली और फिर देखिए हमने पूजा करने के बाद सारी लेडीज़ ने हमने फ़ोटो क्लिक किया और खूब आपस में मस्ती की। और ये देखिए चूड़ियाँ मेहंदी दिखाते हुए और सब ने अपना अपना स्टाइल से मेहंदी दिखाई और हाथों की चूड़ियों को खनखनाते हुए आगे पीछे हाथ दिखाते हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कि क्या करें। तो हमने कहा चलो सर्कल बना के एक राउंड लगा लेते हैं, कि सब कह रहे थे रिंगा रिंगा रोजेस, कोई नहीं, अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, सब एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन कितना सुंदर लग रहा है, पर सब बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, एक से बढ़ के एक लग रही थी सारी लेडीज़, क्योंकि सब ने अच्छा अच्छा मेकओवर किया हुआ था और ड्रेसेस भी बहुत अच्छी, किसी ने सूट, किसी ने गाउन, किसी ने साड़ी और सब ने अलग अलग डिफरेंट प्रकार के मेकअप, डिफरेंट प्रकार के लुक लग रहा था आज सबका। तो चलिए यहाँ पे सब जाके सब एक दूसरे को बाय बाय कर रहे हैं और मेरी कीना को देखिए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए गजरा लेकर आए थे
आज तो मैंने परफ्यूम भी नहीं लगाया था क्योंकि गजरा मेरा इतना महक रहा था कि सब तारीफ़ कर रहे थे कि गजरे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मेरा लुक का तो कुछ कहना ही नहीं। आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और फिर शाम को फिर हमें घर में आके फिर से मैंने पूजा करी, और दिया तो मेरा जल रहा था मॉर्निंग से, और शाम की पूजा आई है मेरी। तो आज तो बहुत बार मैंने पूजा कर ली थी, मॉर्निंग भी की थी, फिर मैंने शाम को 4 बजे वाली, 4 साढ़े 4 बजे वाली नीचे जाके पूजा करी, फिर मैंने यहाँ पे आके 7:30 बजे वाली फिर से पूजा करी शाम की इवनिंग की, और फिर चंदा मामा की पूजा भी करी। तो ये हो गया ना 3 से 4 टाइम की पूजा आज, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए मैं अपने हस्बैंड के टीका कर रही हूँ, तो चलिए आप देखते रहिए वीडियो। पूजा करने के बाद मैंने 1-2 फ़ोटो शूट करवाई भगवान जी के सामने। तो ये देखिए, फ़ोटो खिंचवाने का मुझे बहुत शौक़ है इस बहुत पहले से ही। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड के शाम की पूजा के बाद मैं आई, ऊपर आई और अपने हस्बैंड के पैर छुए। आज पूजा भी जितने बार पूजा करी उतने बार अपने हस्बैंड के पैर छुए। वैसे तो एक ही बार छूते हैं मॉर्निंग में जब याद आ जाती है। तो फिर ये शाम की पूजा के बाद फिर मैंने ये दिया लगाया तुलसी माता पे। तो ये देखिए मैं दिया जला दिया है मैंने, क्योंकि हमेशा कार्तिक स्टार्ट हो चुका है, घी का दीपक जलाती हूँ। तो इसको मैंने जलाया तुलसी माता पे। तो ये देखिए मैं गई अब तुलसी माता के पास और तुलसी माता को दिया लगाया। चंदा मामा आ गए हैं और मैं अब चांद देखने जा रही हूँ। और ये है मेरी छन्नी और इसमें है फूल चंदा मामा के लिए, और ये देखिए जिससे मैं चांद देखूंगी सब है। और ये देखिए अब चंदा मामा को पहले हम अर्घ देंगे। ये देखिए हमने चंदा मामा को अर्घ दिया। और तो मैंने हाथ में चावल लिए हैं, जो चावल मैंने कलश के ऊपर रखे हुए थे करवा के ऊपर। और तो उसके बाद मैंने देखिए कैसे मैं पानी चढ़ा रही हूँ, तो ऐसी चावल हाथ में लेके वो चावल छोड़ते जाने नीचे को और ऊपर से पानी डालते जाना करवे से। तो मैंने ये तो अपने मेरी शादी का है, तो जिस टाइम कन्यादान होता है ना उस समय यही लूटा था, तो उसी टाइम से ये बहुत पहले से मेरे पास था, 3-4 साल से अब मेरे पास है। मैं इससे ऐसी ही करवा, पहले मैं करवा लेती थी, अब मैं करवा नहीं लेती हूँ और ऐसी पूजा करती हूँ। देखिए अब मैं पूजा कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। देखो चंदा मामा आ चुके हैं और अब हम चंदा मामा को टीका लगाएंगे। तो ये देखिए अब चंदा मामा जी हमारे आ चुके हैं, और फिर मैंने उनको टीका किया और ये लगाए मैंने चंदा मामा की माला पहनाई उनको, उनके लिए एक माला लेके आई थी। और ये मैंने मट्ठी खिलाई उनको चंदा मामा के लिए, मैंने यहाँ पे मट्ठी रख दी। फिर रसगुल्ला, सेब और संतरा,
जो मैं फ्रूट भी लेके आई थी, मीठा भी लेके आई थी, नमकीन भी लेके आई थी, सब मैंने चंदा मामा के लिए एक साइड पे जहाँ पे माला थी वहाँ पे सब कुछ चंदा मामा जी के लिए रख दिया कि ये चंदा मामा आपके लिए है और आप इनको खा लीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने फूल तोड़ा और फिर फूल से उनको ऐसे अर्घ दिया, फूल से उनकी जय जय करी। और इसके बाद अब बारी आती है अपने चांद को टीका लगाने की, क्योंकि आसमान के चांद को तो हमने पूजा कर ली, अब अपने चांद की पूजा करते हैं। तो ये लगाया मैंने अपने चंदा मामा को टीका, अपने पति को, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे टीका लगाया। मॉर्निंग से आज वो इतने बिजी थे कि उनको आज मेरी मांग भरने का भी मौका नहीं मिला, तो यहीं पे उन्होंने मेरी मांग भरी। और फिर मैंने यहाँ पे अक्षत लगाए उनको, क्योंकि हमेशा से वो हमेशा मॉर्निंग में मेरे को आज के दिन तो ज़रूर मेरा सिंदूर लगाते हैं, पर आज इतने काम का लोड था कि ना मुझे ध्यान रहा ना उन्हें ध्यान रहा, तो नाइट में ही उन्होंने यहाँ पे ही लगा दिया। तो ये मैं देखो क्या कर रही हूँ, पानी तो मैं दे चुकी हूँ चंदा मामा को। और फिर उसके बाद आती है चांद को देखने की बारी। चांद का है मेरे को दिख नहीं रहा, तो ऊपर से देखो फोटो खींच यहाँ से, फोटो शीशा ले लेंगे। स्टार्ट 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 धूप धूप लाओ ऐसे लगाना पहले। अरे खिलाओ अब। चलो मम्मी पानी का शोरा बहुत भयंकर, अब हाथ लगाओ ना। 3 2 1 स्टार्ट। ये पिला रहे हैं पानी सुबह से, और ये देखिए फिर चांद को देखने के बाद मैं अपने हस्बैंड के पैर छूते हुए, आज पैर छूने का भी बारी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और ये देखिए मेरा फूल नीचे गिरा, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरे गुलाब लगा दीजिए, तो देखिए कैसे गुलाब लगाते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि पता तो है नहीं कैसे लगाना है। तो देखिए कहाँ कहाँ बालों पे लगा रहे हैं, ये देखिए पता नहीं किसके हस्बैंड को लगाना आता है तो बताइएगा, मेरे हस्बैंड को तो ऐसे आता। देखिए ये देखिए कहाँ लगाया, मुझे पागल बना दिया दोनों ने, बेटी ने भी और हस्बैंड ने कहाँ लगाया, मुझे बहुत हंसी आई। और ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट, ये देखिए मैंने बोला था ना कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, मेरी आँखें बंद करवाई और ये देखिए क्या दिया मुझे गिफ्ट। आग बंद करो, आग बंद करो, अरे अब बोलो मुंह खोलो। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और करवा चौथ की इसी के साथ ढेर सारी बधाइयाँ, तो मिलते हैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ। तो दोस्तों अब वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है और मेरा करवा चौथ की पूजा भी हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे हम फोटो क्लिक करते हुए मस्ती करते हुए टेरेस में हैं हम 19 से, ये मेरी सोसाइटी 19 फ्लोर की है और हम टेरेस में 20वें फ्लोर पे चढ़े हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों को बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, तो वो पानी की आवाज़ें हैं। और पीछे देखिए हमारे पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का देखिए, और देखो कितना सुंदर चंदा मामा लग रहे हैं देखो हमारे बैक्स पीछे से। और हमने खूब इंजॉय किया, खूब अच्छे से फ़ोटो क्लिक करी, खूब मस्ती करी, हम आधा घंटे छत में रहे। और देखिए मेरे हस्बैंड ने मेरा गुलाब कहाँ लगाया, वह सब सर के पीछे लगाते हैं, उन्होंने बिल्कुल कान के सामने लगा दिया है माथे के ऊपर। और ये देखिए हम सूरज को अर्घ देते हुए, ये सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ हमारी फ्रेंड्स
सोसाइटी की। और ये देखिए ईशा पीछे थोड़ी ब्लर आ रही, पार्क से उसकी फोटो क्लिक की। और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कीना का स्टाइल देखिए और कीना का माउथ देखिए, जब उससे कहते हैं फोटो क्लिक करने के लिए देखिए स्माइल। और ये देखिए ये भी नई है फ्रेंड हमारी, तो ये मुझे करवा चौथ के दिन नहीं मिली। और यहाँ पे देखिए सब अपनी चूड़ियाँ बैंगल अपने खूब मस्ती कर रही हैं, सबके सब वीडियोस देख के हंसेंगी भी और मुझे कुछ बोलेंगी भी। और यहाँ पे सारी लेडीजों ने बहुत एंजॉय किया, मस्ती करी, फ़ोटो क्लिक करी और फिर सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि सबकी पूजा और फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम समाप्त हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। टाटा बाय बाय, तीसरे ब्लॉग में फिर मिलते हैं।